नमस्कार, मैं पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट आल जम्मू होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन। भारतवर्ष के इस 73rd गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे भारतवर्ष के लोगों और विशेषकर जम्मू कश्मीर के वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ उस महान हस्ती को, बीए डॉक्टर बीआर अम्बेडकर और उनकी टीम को, जिन्होंने हमारा इस संविधान बनाया और संविधान के तहत हमें एक पूरा राइट्स मिला। और इसी पर्व पर मैं सल्यूट करता हूँ उस महान हस्तियों को जिन्होंने हमारे अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाई और आज़ादी दिलवाने के बाद 1950 को ही हमारा ये संविधान बना और हमें मान्यता मिली पूरे वर्ल्ड में। आज के इस नेशनल पर्व के ऊपर मैं सैनिक भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें सुरक्षा के साथ रहते हुए हमें अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इस नेशनल पर्व पर, चूँकि ये COVID-19 चल रहा है, मैं पूरे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और साथ में 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाएं। और अंत में पुनः एक बार सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए ये चीज़ कहता हूँ, प्रण करते हैं हम आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक हमारे जिसमें एक गर्म खून की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।